बिग बॉस 18 के घर के अंदर टाइम गॉड बनते ही रजत दलाल ने लिया सबसे बड़ा फैसला, दिखाई अपनी गुंडागर्दी, और जिसकी वजह से विवेक देसेना के हो जो हैं पूरी तरह से उड़ गए। अब रजत दलाल को यहाँ पर टाइम गॉड बनने के बाद कौन कौन सी बड़ी बड़ी पावर्स जो हैं उनके हाथ लगी, जो कि पिछले दो टाइम गॉड को नहीं मिली पावर, वो पावर रजत को मिल गई। आखिरकार रजत ने उस पर क्या किया और साथ ही साथ कैसे यहाँ पर चौंकाने वाला फैसला लिया, यही बात आप सभी दर्शकों को बताएंगे दोस्तों हम। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, बिल्कुल भी। बताना चाहते हैं, बिग बॉस 18 के घर के अंदर टाइम गॉड बन चुके हैं विवेक देसेना, विवेक देसेना नहीं बल्कि रजत दलाल। रजत दलाल टाइम गॉड बने हैं, और इससे पहले जो टाइम गॉड थे वो विवेक देसेना थे, और उसके पहले टाइम गॉड थे अरफीन खान, और दोनों के हाथ में जो है बड़ी बड़ी पावर्स मिली थी। रजत दलाल के पहले जो विवेक देसेना जो थे, तब उनको पावर्स राशन को कंट्रोल करने की थी, नॉमिनेशन एलिमिनेशन ये सारी की सारे पावर जो है उनके हाथ में थी, ड्यूटीज़ को असाइन करने का पावर भी उनके हाथ में था। अब यहाँ पर बताना चाहते हैं, रजत दलाल के हाथ में भी ये सारी की सारी पावर जो हैं वो मिलने वाली है। रजत दलाल को राशन कंट्रोल करने का भी पावर मिलेगा, और राशन किसको क्या देना है और किसको क्या नहीं देना है, किसको कौन सी ड्यूटी असाइन करना कराना है और किसको कौन सी ड्यूटी नहीं देना है, इस बात की मतलब पूरी तरह से पावर उनके हाथ में है। और रजत दलाल जो पास्ट में हुई जो घटना है उस घटना को बदल सकते हैं, और पूरी तरह से यहां बताना चाहते हैं दोस्तों, रजत दलाल अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गलत फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं विवेक देसेना के अगेंस्ट में, क्योंकि विवेक देसेना को उनको हर हालात में परेशान करना है। विवेक देसेना जो है वो कॉफी चाहते थे, टाइम गॉड टास्क के दौरान भी वो कॉफी कॉफी कर लगातार बोल रहे थे। दरअसल में दिग्विजय सिंह राठी ने जो घर में टाइम गॉड टास्क के दौरान जो कॉफ़ी आया था, वो कॉफ़ी को जो है चोरी कर लेते हैं। अब विवेक देसेना जब मांगते हैं दिग्विजय सिंह राठी को, तो यहाँ पर दिग्विजय सिंह राठी कहते हैं कि वो तो रजत के पास है और रजत रखे हैं, एक्चुअली में रजत के पास ही होता है वो जो कॉफ़ी है वो, लेकिन यहाँ रजत जो है उसे देने से मना कर देते हैं। विवेक देसेना को पूरी तरह से तरसा देते हैं, और ना सिर्फ तरसा देते हैं बल्कि यहाँ बताना चाहते हैं दोस्तों, जो चार लोगों का जो ग्रुप बना हुआ था, जो पांच लोगों का ग्रुप अब बन चुका है, ईशा एलिस अविनाश विवेक और बग्गा जी, उनको पूरी तरह से खाना कम करने की यहाँ पर साजिश कर रहे हैं टाइम गॉड रजत दलाल। और इसके अलावा रजत दलाल जो है बाथरूम क्लीनिंग का काम जो है वो विवेक देसेना के साथ करवाना चाहते हैं, और उनके ग्रुप्स के साथ करवाना चाहते हैं। और यहाँ पर बताना चाहते हैं दोस्तों, पार्शियलिटी दिखाते हुए नज़र आएंगे अपने ग्रुप वालों के साथ, यानी चाहत को वो सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से, सारा को सपोर्ट करेंगे, कशिश को सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले हैं हमारे दिग्विजय सिंह राठी को। तो ये चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेगा। विवेक के हाथ में अब कॉफ़ी नहीं है, कॉफ़ी उनके पास बिल्कुल भी नहीं है, और कॉफ़ी आया था तो वो कॉफ़ी भी उनको नहीं मिला। तो ये सब देखकर विवेक देसेना काफ़ी ज़्यादा शॉक रहने वाले हैं कि कोई इंसान इतना गिर सकता है क्या। तो ये चीज़ें सोचने पर वो मजबूर हो जाएंगे, और ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी भी तरह से जो है अब रजत से वो कॉफ़ी लेना है। अब देखना होगा कि क्या होगा क्या नहीं, तो ये चीज़ें जो हैं, ये फैसला जो है अब देखने को मिलेगा। सो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं।